नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आचार्य एजुकेयर पे। अभी आप लोग जानते होंगे कि DSSB ने अपनी वैकेंसीज जारी करी है। अभी एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट है जो न्यूज़पेपर में आया है। वेबसाइट के ऊपर अभी आपको इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा होगा, बट वेरी सून नोटिफिकेशन 2 विल बी आउट। तो यहाँ पर मैं जिन वैकेंसीज के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाह रही हूँ वो एंटिटी की वैकेंसी को लेकर है। एंटिटी का बहुत बड़ा नंबर, अगर हम दिल्ली के हिसाब से देखें तो ये नंबर बहुत बड़ा है, क्योंकि पहले कभी इतनी बड़ी नंबर पे वैकेंसीज नहीं आई। कितनी वैकेंसीज है आप लोगों की? टोटल यहाँ पर आपकी 1455 वैकेंसीज है। ये वैकेंसीज आप लोगों की NDMC की, GNCT की, MCD की। तो मेन यहाँ पर MCD की ही है। MCD का यहाँ पे 1261 के करीब नंबर है और बाकियों में 120 और 74 करके है। तो टोटल इट विल अमाउंट टू 1455। अब आता है कि NTT का जो पेपर है वो कौन दे सकता है, कौन आवेदन करेगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या एज लिमिट होगी, इसके ऊपर पॉइंट वाइज एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहली बात ये है कि एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या होगी। बेटा यहाँ पर आप लोगों का क्लास 12 एकेडमिकली अगर हम देखते हैं तो आप लोगों का क्लास 12 का जिसमें 45% से आप लोगों के ऊपर हो अंक, जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये पुराने नियमों के हिसाब से बता रही हूँ, और अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन्होंने अपने रूल्स को रिवाइज किया हो, तो अभी तक जो चलता आ रहा था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो क्लास 12 में आपका 45% तक का हो और आपने 2 साल का, यहाँ पर खास इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने जो डिप्लोमा किया है वो 2 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए NTT का, जो कि NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। यानी कि जो भी संस्थान है वो आपका प्रॉपर तरीके से हो, ऐसा नहीं कि कोई फेक हो जिसका नाम आना जाए। तो NCTE से अगर एफिलिएशन मिला हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आता है एज लिमिट। तो यहाँ पर एज लिमिट जो है वो आपकी 30 है। अब आता है इस एज के कोर्स के साथ साथ रिलैक्सेशन क्या है। तो जो भी आपका SC ST OBC जो भी हमारे बाकी दिल्ली की अन्य पोस्ट के ऊपर जो भी रिलैक्सेशन के नियम लागू है वो NTT में भी है, तो यहाँ पर भी एज को लेके रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद अगला सवाल आता है कि बहुत से बच्चों के मन में होता है कि क्या यहाँ पर CTET पेपर कंपलसरी है। तो ये एक अच्छी बात है कि CTET पेपर की यहाँ पे अनिवार्यता नहीं है। यानी कि अगर आपने केवल डिप्लोमा किया है, 12th क्लास में आपका परसेंटेज ठीक रहा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि आप लोगों की क्या रहेगी? डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो जल्दी ये फॉर्म आप लोगों का भी नोटिफिकेशन जैसे ही ऑफिशियली आउट हो जाएगा तो 9 जनवरी बताया जा रहा है, 9 जनवरी को आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ये 7 फरवरी तक आपको काफ़ी अच्छा टाइम है। देखिए तकरीबन आप लोगों को 1 महीने के लगभग, 1-2 दिन कम है, 1 महीने के लगभग आपको टाइम मिल रहा है। अब इस सारी चीज़ों को अगर आप फुलफिल करते हैं तो उसके बाद आपका अगला कंसर्न ये होता है कि पेपर आपका किस प्रकार का बनकर आएगा। NTT का पेपर के 2 भाग होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में, ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। तो यहाँ से ये पाठ हटाकर आपको पेपर के बारे में थोड़ा समझाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों का जो पेपर है वो 200 अंक का है। तो पेपर आप लोगों का 200 अंक का है, एक आपका पेपर 1 है और एक आपका पेपर 2 है। पेपर 1 के अंदर आपके 100 मार्क्स, इसी प्रकार पेपर 2 में आपके 100 मार्क्स है। दोनों का वेटेज बराबर है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? पेपर 1 में आप लोगों के पास 20-20 नंबर के 5 सेक्शन है, और वो 20-20 नंबर के जो 5 सेक्शन है उसमें वैसे ही है जैसे जनरल पेपर सभी टीचिंग एग्जाम्स में हमारे दिल्ली के होते हैं, चाहे TJT हो, PJT हो, PRT हो, NTT का भी बिल्कुल वैसे ही है। इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, मैथ्स हुआ, जनरल नॉलेज या GK हो गया आप लोगों का, और अगला पार्ट आप लोगों का रीजनिंग का है।
ठीक है। ये आपके हो जाएंगे 5 सेक्शन। पेपर आपका सीबीटी मोड पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। बस इस पेपर में ना एक ध्यान ये रखना होता है कि जब भी आपका कंप्यूटर बेस्ड पर है तो आपका जो भी क्वेश्चन पे आपने टिक कर दिया है वो आपका वही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो, अक्सर जब पेपर ऑफलाइन होता था तो हम उस पर स्टार बना के गोले लगा देते थे कि भी बाद में आके इन क्वेश्चन से कुछ नहीं करके देखेंगे, पर अब यहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है सीबीटी मोड पर। अगर आपने एक बार इस पेपर का सेक्शन सबमिट हो गया तो वो फिर दोबारा से आप उस पर लौट के नहीं आ पाएंगे, इसका ध्यान रखेंगे। पेपर टू की अगर बात करते हैं तो बेटा ये पेपर आपका जो 100 मार्क्स का है, इसी को हम दिल्ली के अंदर टीचिंग मेथडोलॉजी कहते हैं, पर बच्चे जो है पॉपुलरली इसको CDP नाम से ही जानते हैं। अब इस पेपर के 100 नंबर के ताले की चाबी क्या है, क्योंकि देखिए 100 नंबर अब आपका केवल TM का है, पहले वाले पेपर में तो 20-20 नंबर के 5 थे। तो बेटा इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा, इसकी कुछ खास टॉपिक है और कंटेंट जो है वो जब भी आप पढ़ें चाहे अपने से करें, हमेशा ऑथेंटिक गवर्नमेंट के कंटेंट से पढ़ें। वेबसाइट के ऊपर जब ये नोटिफिकेशन आउट होगा तो कोई भी सिलेबस आपको नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार के पेपर्स के लिए जहाँ पे आयोग के द्वारा कोई सिलेबस नहीं दिया जाता, वहाँ पर आपको अगर एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए फिर आपकी जर्नी आसान हो जाती है। तो यहाँ पर जो भी आपको पढ़ना है, सरकारी बहुत सारी आप लोगों को किताबें गवर्नमेंट की मिल जाएगी जिसमें आप ECCE को डालेंगे, और अब की बार पेपर में बहुत सारी चीज़ें आपको नई मिलेगी। वो नई चीज़ों में क्या होगा, जो आपकी NEP 2020 है उसका वेटेज, और सबसे पहले जो हमारा अलग से फाउंडेशन सेज का आया था जहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पेडागॉजी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग दिया गया है, वहाँ से आपको क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए, कंटेंट को करने के लिए आप लोगों को एक विद्या प्रवेश करके किताब सरकार की है, ये अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी जो पेडागॉजी है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें आप लोगों को, जिसका भी आप कोर्स वगैरह देखते हैं गूगल के ऊपर, मैं यहाँ पर कोर्स के मायने मेरे ये है कि जैसे आपने कहा हमने इग्नू का देख लिया, हमने नियोस का देख लिया, तो इनके अगर आप कोर्सेज देखेंगे तो उसमें आप लोगों को नए फाउंडेशन सेज या विद्या प्रवेश से मैं जो कहना चाह रही हूँ वो कंटेंट अवेलेबल नहीं होंगे। यहाँ पर आपको टीचर के अपने एक्सपीरियंस पर रिलाई करके इन सारे कंटेंट्स को जोड़ के एक कोर्स की प्रॉपर तैयारी करनी होगी। यदि आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ की लोकेशन दे रखी है, यहाँ पर क्लासेस आप लोगों को ऑफलाइन मोड पर मिलेगी। तो यहाँ पे जो भी मैंने डिटेल दी है ये ऑफलाइन बैच को लेकर दी है, तो इस ऑफलाइन बैच के लिए आप आचार्य एजुकेयर में जुड़ सकते हैं। मेरा नाम आंचल है और मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ। मेरे ख्याल से इतनी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत होगी। अगर इसके अलावा भी कुछ आपको और भी डाउट हो कि लाइक जब आपका एग्ज़ाम आप क्रैक कर जाए फॉर्चुनेटली, तो वेल देयर बी अनदर सीरीज की दोबारा से आपकी कुछ और चीज़ें भी होंगी। नहीं, यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, तो ये बात भी लिख देती हूँ, देयर विल बी नो इंटरव्यू वंस यू क्रैक रिटन एग्जाम। तो ऐसी कोई भी कंपल्शन आपके ऊपर नहीं है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इस अच्छी अपॉर्चुनिटी में अगर आप अपनी जर्नी में चाहते हैं कि आपको एक अच्छा सारथी मिले, मेरे साथ आप जुड़ना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। टिल देन गुड बाय।